हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं MG एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से ब्लू एंड ब्राउन टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ट्रिक एंड स्टेप बताऊंगा जिसकी सहायता से आप भी अपनी फोटो में कुछ इस टाइप से टोन आसानी से दे सकते हैं। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखना एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी से आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ। जैसे मैं इस वाले फोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फोटो, इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाते हैं कलर टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -12 एंड यहाँ से टेंट की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, टेंट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +26 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +21 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से रेड कलर की ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +20 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन में रेड टोन है वो थोड़ा हाईलाइट लगे और हमारी स्किन थोड़ा सा ब्राइट लगे। ठीक है, तो इसके लिए इसे हम 20 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +21 एंड यहाँ से सेचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -32 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं +34 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर में एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी माइनस की लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -60 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो इसे रखते हैं +20 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर में एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी माइनस की लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -90 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -26 एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर में एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +63 एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस की लेके जाएंगे। तो गाइस, इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -63 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +80 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -14 एंड नेक्स्ट जाते हैं पर्पल कलर में एंड पर्पल कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस की लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -84 एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रेडिंग के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे हम थर्ड वाले ऑप्शन पे जो कि है हाईलाइट का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड अपनी फिंगर की सहायता से इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को कुछ इस टाइप से फिंगर को स्लाइड करते हुए हम मिलाएंगे। जैसे मैं मिलाता हूँ ठीक इसी प्रकार से आपको भी अपनी फोटो में इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को परफेक्ट रूप से मिलाने का कोशिश करनी है। ठीक है, तो गाइस इसकी ह्यू है 229 एंड सेचुरेशन है 38 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +12 एंड यहाँ से ब्लेंडिंग की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, ब्लेंडिंग की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +70 एंड यहाँ से बैलेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +35 एंड ऊपर से कर देंगे डन।
सो गाइस जो हमारी फोटो है वो काफी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, लेकिन इसे हम और अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो इसके लिए जाएंगे हम इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को करेंगे हम +30 एंड यहाँ से DH की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है उसमें थोड़ा सा और HDR इफेक्ट देखने को मिले। ठीक है, तो इसे रखते हैं +14 एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस क्यों लेके जाएंगे, तो गाइस विनेट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -50 एंड यहाँ से मीट फॉन्ट की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस मीट फॉन्ट की वैल्यू को अपने फोटो के सब्जेक्ट के हिसाब से रखनी है। ठीक है, मैं ये चीज हमेशा आप लोगों को बताता हूँ। तो इसे रखते हैं 28 एंड यहाँ से इसकी फेदर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो फेदर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +76। अब हम अपनी फोटो को थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं +25। अगर आपको अपनी फोटो को ज़्यादा स्मूथ करने की जरूरी है तो इसकी वैल्यू को आप अधिक रख सकते हैं। ठीक है, एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन एंड यहाँ से इसकी भी वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी बैकग्राउंड कलर है वो भी परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। ठीक है, तो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को ये एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेफ्ट डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।